आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, और हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई और बहनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जो अभी रिजल्ट आया है राजस्थान पुलिस का, इसके फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी रुद्रा डिफेंस एकेडमी तारानगर में जो है, इसमें आप एक बार ज़रूर मौका दें सारे भाई और बहन। इसमें फिजिकल की बात करते हैं कि जिन लड़कों और लड़कियों ने अभी पेपर पास किया है, मेडिकल में क्या रहेगा, रनिंग में क्या रहेगा, कितनी उसकी हाइट है, कितना चेस्ट चाहिए और कितने रनिंग के आपको नंबर मिले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पुलिस फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में जो रनिंग है वो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। तो 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो 24 मिनट दिए जाएंगे आपको, और लड़कियों को, महिलाओं को 5 किलोमीटर रनिंग में 30 से 35 मिनट दिए जाएंगे, और जो एक्समैन है उनको 30 मिनट दिए जाएंगे। और 30 मिनट के बाद में या 24 मिनट दी है बॉय को, लड़कों को, तो जो भी टाइम दिया है इससे जो ऊपर टाइम लेते हैं उसको फेल माना जाएगा, फिर से उनको रनिंग का मौका भी नहीं दिया जाएगा और ना ही उसको भर्ती किया जाएगा। तो देखिए, रनिंग की हम बात करते हैं तो रनिंग जो 5 किलोमीटर होती है आप ग्राउंड में लगाते हैं तो 12 राउंड और 200 मीटर यानी 400 मीटर का ग्राउंड जो होता है उसमें आप आसानी से लगा सकते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट, और महिलाओं को 35 मिनट दिए, एक्समैन को 30 मिनट दिए, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, नॉर्मली है। तो इसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज जो है आप कर सकते हैं, ताकि आप मॉर्निंग में जब ग्राउंड में जाते हैं तो कौन कौन सी एक्सरसाइजें करनी है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कि ग्राउंड में जाते ही नॉर्मली एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, वार्म अप करना, उसके बाद में जो है आप रनिंग स्टार्ट करना। और जब आप पहली बार रनिंग करने जा रहे हैं तो आपको एक चक्कर लगाना है, मॉर्निंग में जाते हैं एक चक्कर लगाना है 400 का, और शाम को जाते हैं फिर भी एक चक्कर लगाना है, यानी एक दिन का एक चक्कर से आप बढ़ाएंगे तो दौड़ने में बहुत आसानी होगी। और ध्यान रहे आप कौन से जूते पहन रहे हैं, कौन सी डाइट ले रहे हैं, तो इसमें मैं आपको 2 से 4 एक्सरसाइजें बता देता हूँ, जिन एक्सरसाइजों को करके आप जो अपनी बॉडी को जो है लचीला बना सकते हैं, ताकि अपने जो सीन पेन होता है, कंधे दर्द करते हैं या फिर पेट में दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है तो आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप चेस्ट है तो चेस्ट चाहिए आपका 81 नॉर्मली जब आपका चेस्ट होगा वो 81 होगा और 5 फुल आउट होगा तो आपका चेस्ट जो है 86 होगा। तो लड़के जो है ख़ास तौर से ध्यान दें, 86 नॉर्मली चेस्ट चाहिए, और 86 फुल आउट के बाद में यानी 5 फुल आउट है सीने की वो चाहिए। आप देखिए सीना नहीं फूलता है किसी भाई का, तो सीना फुला लीजिए, नॉर्मली सीना कम है तो उसको डाइट में क्या खाना है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि जब 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो रनिंग में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजें करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है जिससे आप आसानी से रनिंग पार कर सकें। हाँ, तो आप जब पहले मॉर्निंग में ग्राउंड जाते हैं तो आपको शुरू शुरू ऊपर जंप करना है, आप ऊपर जंप करेंगे 5 से 6 जंप, उसके बाद आप साइड जंप करेंगे, जैसे साइड जंप इस तरह से होता है, पूरा हाथ ऊपर, पूरा साइड, पूरा हटी मार, ठीक है, इस तरह से आप करिए। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आगे पीछे उसके बाद में आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो
एक्सरसाइज होती है उसमें इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। तो जैसे अपने पैर जो है सर के बराबर यानी 5 फुट या 6 फुट पर पैर अपना निकलना चाहिए। जब आप लंबे स्टेप लगाना चाहेंगे ग्राउंड में तो आपको एक्सरसाइज भी लंबे स्टेपों की करनी है। तो आप जैसे लंबे स्टेपों की एक्सरसाइज जो करते हैं इस तरह से करते हैं, जैसे सामने और एक साथ डॉ 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 आप ऐसे सब लगाए आराम से। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अपना पैर पूरा हाथों के बीच में और आपका पूरा कमर में जो एक्सरसाइज है वो अपने दोनों पैरों को पीछे रखना है पूरा और पूरी बॉडी को पीछे खींचना है। जैसे मैं खींच रहा हूँ अभी देखिए ध्यान से ये एक्सरसाइज आप ध्यान से करिएगा। ये है जिनका चेस्ट कम है वो आसानी से अपना चेस्ट खुला सकता है। और अब बात करते हैं हम वेट की। तो राजस्थान पुलिस ने लड़कों का कोई वेट
नहीं दिया गया है उनकी हाइट के, और 5 किलोमीटर रनिंग पे होगा लड़कों का वेट, लेकिन लड़कियों का वेट है जो 47.5 kg दिया गया है, यानी 47.5 किलो वजन लड़कियों का होना चाहिए। और आप इसके बाद में बात करते हैं ऊंचाई की, तो हाइट जो है इसमें 168 सेमी लड़कों की हाइट दी गई है, 168 सेमी, और लड़कियों की जो हाइट है वो 152 सेमी दी गई है। तो आपकी हाइट जो है लड़कों की वो 168 सेमी होनी चाहिए, और महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेमीमीटर होनी चाहिए। आपकी अगर एक भी एमएम भी हाइट कम है तो आपको नहीं लिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल से। तो इसके बाद में हम बात करते हैं डाइट की, कि आपको डाइट में क्या लेना है। तो डाइट में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नहीं, आप मॉर्निंग में केले और दूध और चने, सोयाबीन और बादाम, काजू, किशमिश आप मॉर्निंग में खा सकते हैं, जिससे आप सीना आसानी से फुला सकते हैं, आपकी एक मजबूती होगी और एक आप आसानी से फिजिकल कर पाएंगे, बॉडी में फिट रहेंगे। तो जिन बच्चों की सीना है वो फुल आउट में भी प्रॉब्लम आती है, तो वो जैसे नॉर्मली मॉर्निंग में रनिंग होने के बाद में एक्सरसाइज करते रहे, जैसे हम बताते हैं अभी एक्सरसाइज को, ये जो नॉर्मली खड़ा है रिलैक्स, ठीक है, आपने देखते हैं, इसके बाद में पूरा सांस भरना है सीने में, मेरा सीना की पुल आउट जो है 9 से 10 सेंटीमीटर में सीना फुला सकता हूँ, मेरा सीना जो है 89 है सीधा, वो 9 से 10 मेरी पुल आउट है। तो आप भी अच्छे से अपना सीना फुला सकते हैं। और अब अगर भाई और बहन हमारी अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी डिफेंस रुद्रा डिफेंस एकेडमी तारानगर में जो है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो बनाएंगे हम, उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।